बैक टू स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम वैदिक नदियों के बारे में बात करेंगे कि नदियों के पुराने नाम वैदिक टाइम पर क्या थे और आजकल कलयुग में उनके नाम क्या हो गए हैं ये सोशल स्टडीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन टेट एग्जाम में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे मैं कोशिश करूंगा सोशल स्टडीज में टाइम कम और वीडियो ज्यादा दूं ठीक है इसलिए छोटी छोटी वीडियोज होंगी लेकिन नंबर आपके बहुत ज्यादा आएंगे अगर आप हर एक वीडियो को देख गए तो और दोस्त आपने अभी तक हमारे बैक टू तो स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे बैक टू तो स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कीजिए आज सब्सक्रिप्शन लिया है दिव्या पांडे ने मंजुला कुमारी ने मंजूषा कुमारी ने और रुचिका सिंह ने कल लिया था अर्चना तिवारी ने अदिति ने अदिति के बाद लिया आपका पावनी ने शिवानी ने और कुमार कृष्ण सिंह ने ठीक है तो दोस्त आप भी इनकी तरह क्या करें सब्सक्रिप्शन ले ताकि आपका एग्जाम बिल्कुल हंड्रेड परसेंट क्लियर हो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त आज की इस वीडियो को याद रखना दोस्त आज की ये जो वीडियो होगी इसमें हम वैदिक नदियों की बात करेंगे यानी कि नदियों के वैदिक काल में नाम क्या थे हड़प्पा सब बता के बाद जो लोग अस्तित्व में आए वो वैदिक लोग थे इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जो वैदिक लोग थे वो कैसे थे वैदिक लोग गांव में रहते थे गांव में वैदिक लोगों का मुख्य पेशा क्या था कृषि कृषि के साथ पशुपालक ठीक है दोस्त तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं देखिए वैदिक काल में सबसे पहली नदी जिसका नाम कुंभा था आजकल उसको क्या बोला जाता है काबुल काबुल नदी को क्या बोला जाता था पहले कुंभा बोला जाता था आजकल की स्वात नदी को सुवास्तु नदी बोला जाता था गोमल को गोमती बोला जाता था सिंध को सिंधु बोला जाता था सोहन नदी को सुशोमा विधि सु, सुशोमा जो है नदी बोला जाता था झेलम का नाम था वितस्ता रावी का नाम था परुष्णी, व्यास का नाम था विपाशा घग्घर का नाम था सरस्वती गंडक का नाम था सदानीरा और चिनाव का नाम था अस्किनी अब ये आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वैदिक नदियां थी प्राचीन टाइम पर उनके वर्तमान नाम थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है जो आपकी एग्जाम में बार बार आती है तो सबसे पहले तो काबुल और कुंभा ये जो कॉम्बिनेशन है ये एग्जाम में आता एक दूसरा कौन सा आता है दूसरा आता है झेलम का वितस्ता। एक ये कंबिनेशन आप याद रखेंगे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे एक व्यास आती है नदी बार बार कि व्यास का क्या नाम था विपाशा विपाशा ये विपाशा से ही विपाशा हो गई है आजकल अब घग्गर अब बोलेंगे सर ये तो अलग अलग नदियां भाई देखो यही नाम था वर्तमान में जो घग्गर है उसका नाम सरस्वती था वैदिक काल में सरस्वती और जो सोनी चनाब दे किनारे से पुकारे तो ये वही वाली चिनाव है पंजाब के अंदर है ये और इसका नाम क्या था प्राचीन प्राचीन नाम वैदिक काल पर अस्किनी तो ये चार जो है आप इसके अंदर से मेन याद रखेंगे लेकिन वैसे मैंने आपको बहुत बता दिया है बहुत सारे बता दिए हैं ये आपने देखा लेकिन मेनली आपको याद रखना है काबुल उसके बाद झेलम व्यास और चिनाब ये मेनली आपको याद रखने हैं लेकिन इसमें अगर आप देखें रावी नदी रावी को क्या कहा गया परुषनी। अब वैदिक काल से पहले रावी नदी के किनारे ए, कौन सा शहर था हड़प्पा था याद रखना रावी के सहारे कौन सा था हड़प्पा था रावी के किनारे लेकिन हड़प्पा के टाइम के बाद में वैदिक काल में रावी को परूशिनी के नाम से कहा गया बुलाया गया मतलब तो यहां पर हमने कितनी नदियां देखी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो हमने ग्यारह नदियां देखी काबुल कुंभा स्वात सुवास्तु गोमल गोमती सिंध सिंधु सोहन को सुशोमा, झेलम को वितस्ता रावी को परूशनी व्यास को विपाशा घग्घर को सरस्वती गंडक को सदीनिरा बोला जाता था और चिनाव को अस्किनी बोला जाता था तो ये ग्यारह नदियों के नाम हमने आज डिस्कस किए टाइम बहुत कम लगा लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था ऐसे ही दोस्त छोटी छोटी वीडियोस में जरूर लेकर आऊंगा सोशल स्टडीज की जैसे टाइम कम लगे आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी हो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं वीडियो को लाइक करे, करें शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुँचाए इस वीडियो को और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए बाय दोस्तों